हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। आपको बताऊंगा ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है दाग धब्बों के लिए, एंड बताया जा रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है 7 दिन के अंदर आपको मिलता है। अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं या फिर मिलाजमा है या फिर स्किन पे पिगमेंटेशन है तो उसको बहुत अच्छे से ये रिमूव करता है 7 दिन के अंदर। बताया जा रहा है ये जो पतंजलि एलोवेरा जेल है इसको गोरेपन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्किन गोरी हो जाती है, स्किन इवन हो जाता है, स्किन पे ग्लोइंग आ जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल डार्क है तो उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। आज मैं यही सारी बातों को कवर करने वाली हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये सच में ये सारी चीजें करता है या नहीं करता है, 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब तक रिजल्ट मिलेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक करना है, उसको जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको बता दूं ये आपको अमेज़न पे 88 रुपीज का मिलेगा एंड क्वांटिटी आपको 150 ml मिल रहा है। आई थिंक ये एक इकलौता एलोवेरा जेल है जिसमें आपको प्राइस बहुत कम पे करना पड़ रहा है एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांड की बात करूँ तो एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यू नो प्राइजी होते हैं, बट ये जो है ये बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है। इसमें आपको अलग अलग क्वांटिटी के मिल जाएंगे, तो ये वाला जो है वो है 150 ml वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये जो प्रोडक्ट है ये पतंजलि की तरफ से यू नो है, एंड आपको बताऊंगा ये जो पतंजलि एलोवेरा जेल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है स्किन को गोरा करने के लिए, स्किन के दाग धब्बों को कम करने के लिए एंड पिगमेंटेशन हो गई, डार्क स्पॉट हो गई, इसको रिड्यूस करने के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो प्रोडक्ट है अगर आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल करते हो यू नो 7 या फिर 8 दिन तक, तो स्किन सबसे पहले ये क्या करता है, क्लियर करता है। सबसे पहले स्किन पे अगर आपकी बिल्कुल भी यू नो जान नहीं है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ डलनेस है, डार्कनेस है, तो उसको बहुत हद तक ये रिड्यूस करेगा। उसके बाद ये आपकी स्किन को बिल्कुल इवन कर देता है। आपको बता दूँ कोरियन लोग भी यू नो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं ग्लास स्किन के लिए, एंड स्किन केयर में एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खास करके कोरियन लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इंडियन लोग भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहे एंड क्रिस्टल क्लियर रहे बेसिकली। सो ये जो एलोवेरा जेल है ये क्या करता है, सबसे पहले हमारी स्किन को क्लियर करता है, उसके बाद जो भी पिगमेंटेशन हो गई, डार्क स्पॉट हो गई, इवन ये टैनिंग को भी बहुत हद तक यू नो रिमूव करता है। सो ये जो एलोवेरा जेल है ये दाग धब्बों के लिए बहुत यू नो असरदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इसमें कोई भी तरह का ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया गया है जो कि यू नो साइड इफ़ेक्ट्स दे आपको। जो भी चीज़ें इस एलोवेरा जेल में मिलाई गई है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है एंड हर्बल है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये फॉर ऑल द स्किन टाइप के लिए है एंड इसका एक येलो वाला भी आता है, तो वो आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन वालों को यू नो सूट करता है अधिकतर, बट ये वाला जो ग्रीन वाला है ये सभी को सूट करता है। इसको आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, दाग धब्बों पर कर सकते हो, पिगमेंटेशन में कर सकते हो एंड यू नो टैनिंग वगैरह में कर सकते हो, स्किन को इवन करने के लिए कर सकते हो, स्किन पे ग्लोइंग लाने के लिए कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसे हम फेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, गोरेपन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये टैनिंग को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी थी पहले, बहुत ज़्यादा फेयर थी एंड टैनिंग की वजह से जो रियल स्किन का कलर है वो नहीं दिखता है, तो ये हेल्प करेगा आपकी रियल स्किन को फिर से लाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली टैनिंग में वर्क करता है ना कि फेयरनेस में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेयरनेस के लिए यूज़ कर लो यू नो वर्क करेगा, बट हाँ स्किन को अच्छा कर देता है, स्किन को फेयर नहीं करता है, स्किन को अच्छा कर देता है, स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ना कि स्किन को फेयर करता है। जिनके स्किन पे टैनिंग है तो उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा आपके जो रियल स्किन का कलर है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो एलोवेरा जेल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बोला जाता है कि स्किन केयर में यूज़ करनी चाहिए एंड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपके स्किन पे कोई भी तरह का दाग धब्बे नहीं रहेगी या फिर पिंपल्स भी नहीं आते। इवन मैं आपको बता दूँ ये जो एलोवेरा जेल है इसको आप खा सकते हो, लगा सकते हो स्किन पे, ठीक है। ये नेचुरल है तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसको एज अ पेस्ट भी लगाया जा सकता है, इसको खाया भी जा सकता है, इवन इसको हेयर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एलोवेरा जेल का रेगुलरली इस्तेमाल करते हो अपने हेयर्स पे तो हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनियर हो जाती है। सो आप इसको यू नो हेयर पे भी लगा सकते हो, पैक जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैक बना करके या फिर यू नो खा भी सकते हो। एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट यहाँ पे मैं स्किन की ही बात कर रही हूँ।
स्किन पे जो भी बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूँ उसको लगाना कैसे है एंड कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसको लगाना कैसे है, इसको आपको नाइट में लगाना है। स्किन को सबसे पहले फेस वॉश से क्लीन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस एलोवेरा जेल को लगाना है जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा क्वांटिटी लेना है एंड अच्छे से स्किन पे लगा करके अच्छे से मसाज करना है एटलीस्ट 4-5 या फिर 6 सेकंड्स के लिए, जब तक ये अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। थोड़े बहुत रहेंगे बट हाँ 5 से 6 सेकंड के लिए अगर आप मसाज करोगे तो स्किन स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसको आपको मॉर्निंग स्किन केयर में भी यूज़ करनी है। आपको फेस वॉश यूज़ करने के बाद इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, इवन सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आपको अपने स्किन केयर में शामिल करना है आपको एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन बिल्कुल इवन हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी। कोरियन स्किन आप देखते होगे तो आपको बताओगा कोरियन लोग की स्किन बहुत ज़्यादा इवन होती है, एकदम ग्लास स्किन होती है, वैसी हो जाएगी। तो अगर आप वैसा स्किन चाहते हैं तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल करो रेगुलरली नाइट एंड मॉर्निंग में, 2 बार इसको इस्तेमाल करना है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। दाग धब्बे भी नहीं आएंगे, पिंपल्स अगर आपको एक्टिव होती है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऑलराइट यू गाइस, तो यही आज का वीडियो एंड यही था इस पतंजलि एलोवेरा जेल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। कुछ मैंने छोड़ दिया हो, कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सभी का कमेंट देखती भी हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, स्किन पे कुछ भी हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑलराइट यू गाइस, तो यही आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसमें आपको क्लिक करना है, उसके जस्ट बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब।